सो गाइज, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से सॉन्ग बना सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपने सॉन्ग के लिरिक्स लिखने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ChatGPT। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको जिस प्रकार की लिरिक्स चाहिए उस प्रकार से यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग जनरेट करवाने के लिए लिखता हूँ। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको दोबारा गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सुनो AI। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम मोड को ऑन करना है। यहाँ पे आपने जो लिरिक्स वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आप जिस प्रकार का सॉन्ग बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देना, जैसे कि मैं रोमांटिक सॉन्ग बनवाना है। उसके बाद जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं वो रख देना, मैं वैसे इसको खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, तो थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ आपको आपका सॉन्ग जनरेट करके दे देगा। एंड सॉन्ग जनरेट हो चुका है, इसको आपको प्ले करके सुनाता हूँ। बस ये तस्वीर मेरी दुनिया का अब हिस्सा है, तेरे होठों की वो मीठी बातें दिल की धड़कन ने लम्हे बसा है तेरी बात। फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको त्रिबिंदी पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ऑडियो और वीडियो आ रहा है ऑप्शन, इस पर थोड़ी देर वेट करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड आप सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।